पापा, अरे पापा, मैं आपको बता नहीं सकता कि शक्कर ने हमको जो है कस के सूता है। अरे इतना तो वो जो है ना, वो पान वाले की बेटी ने भी उनको नहीं सूता था। हाँ, और ना ही वो शर्मा जी की जो साली थी उसने। अरे हाथ ना टूट गए उसके। मेरे लल्ला को कैसे स्वेटर की तरह उधेड़ दिया। मम्मी, डैडी, चाय। अरे चाय को मारो गोली बहू। ये बताओ, ये कोई तरीका है? कोई सुहाग रात वाले दिन अपने पति को कोई इतना पीटता है, है? अरे ठीक है, बाद में पीटो जब मर्जी, वो ठीक है, समझ सकते। और नहीं तो क्या। अरे मैंने भी ने सुहाग रात वाले दिन बिल्कुल ना पीटा। अरे जब भी पीटा, बाद में ही पीटा, बताओ कसम खा के। पीटा ना, बाद में ही पीटा ना। डैडी, मेरी गलती नहीं है लेकिन इसमें, वो मैं डॉक्टर की दवाई खा रही हूँ ना, उस दवाई का ही साइड इफेक्ट है। ओए माँ, डॉक्टर की दवाई खाते ही ना मुझे गुस्सा सा आने लगता है, गुस्सा। और कल तो मैंने पूरी दवाई भी नहीं खाई, आधी गोली खाई थी बस, आधी। क्या? अरे आधी गोली ने तो आधी जान निकाल दी। अगर तुम पूरी गोली खा लेती तब तो मैं इस दुनिया से ही उठ जाता। जिंदगी जोक है, मुझे नहाने का शौक है। मैं आपके लिए बाम लेके आती हूँ। हाँ ओके। डैडी ने फोर्स किया, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। डैडी ने फोर्स किया, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। पता नहीं क्यों मेरी शैतानी खोपड़ी कह रही है कि कहीं हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा। लल्ला की माँ, तुम लल्ला को कमरे में ले जाके सेक वेक दो, तब तक मैं जरा चौकी होके आता हूँ। बहू तो घर पे है, अब देखना ये है कि चंद्रमुखी चौटाला कहाँ है सबके सामने। मम्मी, मम्मी कह रहा है। हेलो ईमान चौकी। हेलो बिल्लू। हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? आवाज से तो काफी खूबसूरत और दिल के करीब की लग रही है। टेटवा दबा दूंगी सारी, आवाज ना निकलेगी कभी फिर। हाँ मैडम बोलिए। सुन, यहाँ ये जो लल्ला का डैडी है ना, इसको हमारे पे शक हो गया है ना। इसको यो लग रहा है कि मैं ही चंद्रमुखी हूँ, और ये बहुत चौकी जा रहा है देखने की मैं वहाँ हूँ कि नहीं। जब तक मैं वहां ना पहुंचू, तू और गोपी इसने उलझा के रख, ठीक है? और पीछे वाला दरवाजे ने खोल दे, उसी में से एंट्री मारूंगी मैं। क्लियर? समझ गया? ओके मैडम। वैसे मैडम पीछे का दरवाजा तो खुला ही रहता है क्योंकि मैं वहीं से आता हूँ ना। हाय हाय। वैसे फिर भी आप कह रही हैं तो मैं एक बार और जाकर के वहां देख लेता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। ओके गुड। ये देख, एकदम खुला हुआ पड़ा है दरवाजा। मैडम भी बस काम पे काम करवाती रहती है। जब मैं बोल रहा हूँ कि दरवाजा खुला हुआ है, मैं देख के आया हूँ, तो इसके बाद मान लेना चाहिए ना किसी की तो बात कभी कभी। मेरे घर की छोरियों को ना बिल्कुल चोरियों की कुछ नहीं पड़ी है, जबकि शहर में देखो तो दिन ब दिन चोरियां 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 बढ़ती जा रही हैं। दरवाजा ऐसा भाड़ से खुला छोड़ के रख दिया है कि चोर आए और सब लेके चले जाए घर का, लुटवा के रहेंगे किसी दिन घर को। अनीता, क्या भैया इतनी जोर से मेरा कान उखाड़ने की क्या जरूरत थी आपको? मेरा कान उखड़ जाता तो फिर मैं कैसा लगता है एक कान का, बताओ? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। ये हमें किसी भी तरह लल्ला के डैडी को यहाँ पे रोक के रखना होगा, ताकि तब तक मैडम आ जाए पीछे से। मुझे को आ रहा है शायद। हटो हटो हटो। हाँ हाँ
एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ है मैडम सबके सामने? वेल मॉम से तुम्हें क्या है काम इज़दा? हसीना है, अगर दर्द है तो मैं हूँ बाम इज़दा। देखिए दादाजी, मुझे मुझे मैडम के साथ बहुत जरूरी बात करनी है सबके सामने। अबे पुपी, बिल्लू बिल्लू, अबे यो ला क्यों है? लगता है भूल गया यो। अबे मैडम तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही हैं। इसका मतलब मैडम चौकी में नहीं है सबके सामने। हाँ वहाँ है मॉम इज़दा, हसीना है, अगर फुलझड़ी है तो मैं हूँ बॉम इज़दा। चलो 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 पान थूक के आना। अरे मॉम आ जाओ मैडम, ये आपसे मिलने आए। अब पूछ लो मैडम से जो भी पूछना था आपको। क्यों ना हमारे से मिलने क्यों? ना मैं कोई टीवी स्टार हूँ, फिल्म स्टार हूँ, सेलिब्रिटी हूँ मैं जो हमारे से मिलने आए। और बेरा ना है कि मैं जब किसी की धुलाई कर रही हो हूँ ना, तो उस समय अगर मन ने कोई डिस्टर्ब करे तो फिर सीधे ऊपर जाता है वो। अब बोलो ना, फूट लो, के हो गया जिंदगी में, के बिगड़ गया जो मैं सवारू है? मकान का जो है खंबा उखड़ गया कि छत फट गई सारी? नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं यहाँ आपको थैंक यू बोलने आया था सबके सामने। क्यों मैं चंदा बांट रही हूँ यहाँ जो हमारा थैंक यू है? ना इतना कौन सा थैंक यू आ गया थारे अंदर जो यहाँ बिल्कुल ही घुसा चला आया, मुंह उठाया, इनवाइटेड? नहीं मैडम, थैंक यू तो है मैडम, क्योंकि आपकी वजह से मैडम मेरे घर में एकदम सुशील बहू आ गई है सबके सामने। तो पापा क्या सुशील? सुशील आ गया, लेकिन उसका नाम तो वो शक्कर है ना। सुशील बहू आ गई ना तो खुश रहो, पारिवारिक जीवन का आनंद उठाओ, सुशील बहू से चाय वाय बनवाओ, आशीर्वाद दो, तुम भी दिखा लो थोड़ी सुशीलता। और याद रखना, अगर तो कोई खलनाई की तुमने बीच में, तो एक 6 फुट की नाई का यहाँ खड़ी है, अब फुट ले यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ सबके सामने। हाय टोनी। हाय बिल्लू। हाय हाय। वैसे मैडम शाबाशी का असली हकदार तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने पिछला दरवाजा खुला छोड़ रखा था ताकि आप आ सके। हाय। बैठ जरा इसके टोनी के संग। शाबाशी ना यू वांट? जब मैंने थारे से कही थी कि पिछला दरवाजा खोल के रखियो, तो उस पर ताला मार के क्यों रखा तेने? मैडम मैंने नहीं लगाया ताला। तेने नहीं लगाया ताला? परशुराम हवलदार ने खुद देखा अपनी आंखों से कि तेने वहां ताला मारा। यो तो मैंने जीप घुसेड़ दी दीवार में, तब जाके एंट्री लिए मैंने। ईब जो दीवार की मरम्मत का खर्चा है वो थारी पगार में से कटेगा। नहीं मैडम, फिर तो पूरी कट जाएगी ना मैडम। मैं आपको तो पता है कि मुझे भूलने की बीमारी है। तो तू कौन सा जो है हमारी गोदी का लल्ला है, हमारी मम्मी का नाती है तू, जो थारे सारे क्वालिटीज पे मैं पर्दा डालूं? मतलब इस महीने भी नहीं मिलेगी। वेल मॉम, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान इज द? खुले हुए हैं मेरे कान इज द टन। प्लान यू है कि शक्कर के डैडी को बुलवाओ, और जो मैं अभी समझा रही हूँ वो उन्हें समझाओ, इससे पहले कि वो नाती मंदाकिनी का बापू घर पहुंचे। मन ने पहुंचना है वहां। सुनो क्लियर क्लियर। ओ बिल्लू फसा। भैया ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। What is this is the? हसीनाएं मुझे देती हैं flying kisses the।
भैया मैं आपके लिए हलवा लेके आया हूँ। वेल, हलवा देख के मेरे मुंह में आ गया पानी। इस दा कहीं इसमें भी तो नहीं है तेरी कोई कारस्तानी इस दा है? भैया आप हमेशा मुझ पे शक करते रहते हैं। मैं कितनी भी मेहनत करके आपके लिए कुछ भी लेके आऊं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा मेरी बेइज्जती कर देते हैं और मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा देते हैं। और मुझको पता है कि आप ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि मैं आपका सगा भाई नहीं हूं ना भैया। मेरा आपका खून अलग अलग है, इसलिए आप हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं। लेकिन अब और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा भैया। मैं ये नौकरी छोड़ के कल ही चला जाऊंगा। खबरदार, खबरदार जाने की बात की तो कि पैर मारूंगा एक मुंह पे। तू मेरा प्राण है यार, मेरा छोटा प्राण है तू। हैं? बोले 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 बोले। मैं खाऊंगा, मैं हलवा खाऊंगा, मैं चप चप करके हलवा खाऊंगा। लो खाओ। बादाम, काजू, पिस्ता, बहुत डाला यार इसमें। हाँ डाला होगा। कैसा लगा भैया आपको हलवा? वेरी नाइस इज द हसीना है। अगर फ्रिज है तो मैं हूँ आइस इज द। खाइए खाइए भैया खाइए। ये लीजिए भैया 500 रुपए। ये 500 किस लिए? भैया वो ना मेरे एक दोस्त से मेरी 1000 रुपए की शर्त लगी थी कि ये 15 दिन पुराना हलवा अगर मैंने किसी को खिला दिया तो वो मुझे 1000 रुपए देगा। तो 500 आपके, 500 मेरे। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एक्सक्यूज मी दादाजी। ओह, मैं तुम्हें दादाजी नजर आ रहा हूँ। हम उम्र हो, शर्म करो कुछ। सॉरी सॉरी एल्डर ब्रदर, मैं ये पूछता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? इमरजेंसी लाइट ऑन है। साहब जी बहुत सस्पेंस में हैं, कहीं इनके दिल की धड़कन ना बढ़ जाए। साहब जी आप है ना पहले गोली खा लीजिए, काम कीजिए। नहीं नहीं सब ठीक है, मैं आया। यो भैया एक मिनट खाली, केस आया ना तो भी टाइम प्लीज, फिर उसके बाद हम लोग ऑन ड्यूटी है ना भैया, उसके बाद कैरी ऑन। हाँ तो मैडम ने कहा है ऐसा कि शक्कर के ससुराल वालों की नजर में शक्कर उनकी बहू है। यस! और शक्कर के डैडी आप हैं, ठीक है, और लल्ला के ससुर जी भी आप हैं। क्या करना है वो तो बोलो, इमरजेंसी लाइट ऑन है। वेल ब्रो, तुम्हारे कान में मुझे है कुछ कहना इज्दा, हसीना उसे लड़ जाते हैं मेरे नैना इज्दा। ओके चल। भैया अब तो बहुत देर हो गई, बात आई गई हो गई, अब खत्म। अच्छा सॉरी। चाय पिए, बिस्कुट खाएगा हैं? हाँ भैया खाएगा। भैया 500 रुपए मिलेंगे। ले ले, ले। वो हलवा खत्म कर दीजिए ना। कहाँ से चली आ रही है महारानी? ओह ये वो मम्मी जी, मैं मंदिर गई थी, डैडी ने फोर्स किया, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। ओह ये लो कर लो बात,
अरे घर की देवी यहाँ बैठी है कपाल भाती करते हुए हैं? और ये मंदिर मंदिर घूम रही है देवियों को ढूंढती हुई। मेरा लल्ला सुंदर है, पति छछुंदर है, तुम भी कुछ बोल लो। हाँ हाँ क्या बोलूँ, हाँ सही। अरे घर की देवी क्या, अरे तुम तो श्री देवी हो और मैं जितेंद्र सबके सामने। हाँ ये बैठी बैठी क्या दांत निकाल रही है, हैं? अरे सास की कुछ सेवा कर ले, कुछ पुण्य कमा ले। अच्छा चल, और कुछ काम ना है, मेरे पाँव दबा, बहुत थक गई हूँ। ठीक है, आओ ए। पाँव दबाने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि डैडी ने फोर्स किया और मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। मम्मी जी, मजा आ रहा है, थोड़ा और जोर लगाऊं? नाना बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ गया, पहले ही रहने दे बहू, रहने दे। दूसरा पैर तो रहता है। ना, देख ऐसा कर, दूसरे कमरे में लल्ला जो है वो करा रहा है, तू जाके उसे बहू जा हल्दी का दूध दे दे। डैडी ने फोर्स किया, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। देखा तुमने कैसे मेरी हड्डी तोड़ के दे दी यानी, दूसरा पाँव दे देती तो पता नहीं क्या होता, चलने लायक भी रहती कि ना। अच्छा सुनो मैं क्या कह रही हूँ, अब तो ब्याह भी हो गया, इसे कब ठिकाने लगाओगे, हैं? यूं तो बता दो, मेरा लल्ला सुंदर है, पति छछुंदर है। अब इसे ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा।